अब देखो तो के लिए सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो है कि आपके पास ना बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वन पेपर के लिए जब तक आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वन पेपर के एमसीक्यूज़ में जो 100 नंबर का पेपर आता है, चाहे सीसी सिंध हो या पीएमएसजीके हो, चाहे फेडरल कोई टेस्ट हो या बीपीएससी की टेस्ट हो या एसपीसी के थ्रू टेस्ट हो, आपके पास सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मतलब सिलेबस को आपको आइडिया होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मतलब आपने कोई भी टॉपिक करना हो तो आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या जाता है। अब जैसे हमने आज आइडेंटिफाई करना है कि सीपेक कह रहा हूँ, वन पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आनी है और कौन कौन सब्जेक्ट्स आने हैं, और इन वन पेपर के थ्रू जो टेस्टें वगैरह होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास है ना, देख अब एफपीएससी के थ्रू काफी सारे टेस्ट जो होती है जिसमें 100 नंबर के मार्क्स होते हैं, जिसमें आपका आ जाता है कस्टम आ जाता है, ठीक है, और लेक्चरर की चीजें आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट मतलब एंटी करप्शन हो गई, एक्साइज हो गया, एएसआई पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स हो गई, जिलेदार हो गई, एंटी नार्कोटिक्स हो गया आपका, ठीक है, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई, जितने भी मेंशन है सारे वन पेपर है। ठीक है, इनमें जो एडी का पेपर होता है वो आपका 200 का होता है, ठीक है, और जो बाकी 16 लेवल की जो जॉब्स होती हैं वो सारी 100 की होती हैं। ठीक है, ये काइंडली अपने आप को म्यूट तो करें। ठीक है, अब मतलब जो एडी का पेपर कोई भी होता है ना, वो 100 आपके 200 का पेपर का होता है, 200 का, और जो बाकी सारी जो जॉब्स की वगैरह होती हैं वो सिर्फ 100 की टेस्ट वगैरह होती है, ठीक है, जिसमें आप एफआई हो गया, ठीक है, इंस्पेक्टर कस्टम इंस्पेक्टर हो गया, तहसीलदार हो गया, या फिर आपकी इंस्पेक्टर पुलिस हो गई, या एक्साइज में हो गई, या टीएमओ हो गया, या एमओ हो गया, ठीक है, या एंटी करप्शन में आ गई, ठीक है, या बाकी सारी और भी काफी सारी जॉब्स हैं, लेबर ऑफिसर्स हो गई, ठीक है, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव, या सिविल जज हो गया, या पेट्रोलियम ऑफिसर, या मोटरवे, जितनी भी सारी टेस्ट वगैरह है ना, इनमें ये 100 का होता है। जहां पर एडी की बात आ रही है वहां पर आपके 200 का होता है। अब इन सब में भी देखो, इन सब में भी अगर 200 नंबर्स के आपके पास पेपर आता है ना, अगर आपके पास 200 नंबर का भी पेपर आता है, ठीक है, तो देखो उसमें भी सारी जीके के ही सवाल आते होते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के पेपर्स के एमसीक्यूज आते हैं आपके। अब हमने वो देखना है कि इसमें कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं, किस किस सब्जेक्ट के एमसीक्यू आता है, कि हम उनकी अच्छे से प्रिपरेशन भी करें और हमें उनका आइडिया हो जाए कि ये किस लेवल तक पेपर आता है और कौन कौन से एरियाज को हमने देखना चाहिए। अब ये तो डिफरेंट बिटवीन आपको समझ में आ गया ना कि वन पेपर में कितने नंबर्स के कौन कौन सी टेस्ट आती हैं, और एडी में 200 वाले जो होते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं। अब पहले आते हैं हम, देखो मेजर जो है ना वो 10 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं इनमें इंक्लूडिंग, ठीक है, वन पेपर में। एक पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, ये ज्योग्राफी, एथेंटिक, जनरल साइंस, एबिलिटी हो गई, ठीक है, मैथ हो गया, इंग्लिश ग्रामर, इस्लामिक स्टडी, उर्दू और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब पाकिस्तान अफेयर्स में आपकी हिस्ट्री भी आ जाती है, बाकी सारे सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, करंट अफेयर्स है जो करंट चीजें चल रही है, करंट सेंटर चल रहा है वर्ल्ड लेवल में वो, और वर्ल्ड अफेयर्स मीन्स के जो वर्ल्ड जीके वगैरह हो जाती है वो, उनके अलावा जनरल नॉलेज, वर्ल्ड जनरल नॉलेज उसमें आप हिस्ट्री आ जाती है आपके, आपके हिस्ट्री के प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, रिवर्स, ये सारा सब कुछ आपके उसमें आ जाता है, ज्योग्राफी में भी आ जाता है, साथ वर्ल्ड अफेयर्स में चीजें वगैरह सारी आ जाती हैं। तो ये हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे 100 जो पेपर होता है ना हमारा, जीके का 100 का हो या फिर 200 का हो, चीजें सारी वो होती है। 200 चीजें होती है तो उसमें जैसे यहाँ अगर 100 की बात है तो वहां पर जो इंग्लिश ग्रामर वो 200 की आती है, अगर वही पेपर 200 का है तो वहां पर वो 40 नंबर की हो जाती है, इसी तरह ही। और आजकल मोस्टली आपके पेपर में जनरल साइंस जो कंप्यूटर साइंस वो भी ज्यादातर पेपर में आता है, 10 नंबर का भी कहीं आ जाता है, कभी 20 नंबर का भी आ जाता है। तो आपने यही नहीं चीज है कि आपने कंप्यूटर को भी ज्यादातर आपने फोकस करना है, कंप्यूटर में हमने क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, उनके अलावा मैथ आपका आ जाता है, मैथ में कहीं पर बेसिक मैथ आ जाती है, कहीं पर आपकी मतलब के एनालिटिकल रीजन की तरफ पे आ जाती है, या फिर कहीं पर आईक्यू टाइप की मैथ आ जाती है। मतलब उसमें भी देखो आपने बेसिक फार्मूलाज पे फोकस करना है कि बेसिक फार्मूलाज कौन कौन से मैथ के हैं, ज्योग्राफिकल क्या क्या चीजें हैं, वो सारा सब कुछ हमें यहाँ पर देखना है। अब हम आगे आ जाते हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या पढ़ना है, वर्ल्ड अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, एथेंटिकल में हमने क्या क्या पढ़ना है, मैथ में हमने क्या क्या पढ़ना है, हमने अब इन चीजों को सारा देखना है।
अब यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने वन पेपर को किस तरह से लेना है और क्या क्या इसमें तैयार करना है। जी राफे, आपको ये बात समझ में आ गई बात कि वन पेपर में कौन कौन सब्जेक्ट्स आने हैं और किस किस चीज हमने फोकसेस करना है। अगर यहाँ पर कोई आपकी कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, वो भी आप राफे कर सकते हैं। कोई चीज समझ में ना आई हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। बस सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान अफेयर में आ जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर में हमने क्या क्या पढ़ना है, पाकिस्तान में चीजें में कौन कौन सी चीजों को फोकस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेजर डायनेस्टी, मतलब कि मुगल एम्पायर हो गया, ठीक है। ज्यादातर तो मतलब पीपीएससी में तो मुगल के एम्पायर की जो है वो काफी सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। या उनके अलावा जो कोई और भी डायनेस्टी है, या अब्बासी हो गए, ठीक है, या तगलक की डायनेस्टी हो गई, ठीक है, इस तरह की वो चीजें पूछ लेते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आती है ना वो मुगल का ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि मुगल वो काफी इयर्स तक चली थी और उनमें काफी सारे जो है ना चेंजेस या कानून या न्यू चीजें आई हुई थी, ठीक है। ये कहते हैं ना कि नई चीज कोई मार्केट में आना, तो वो मुगल के दौर में काफी सारी चीजें ऐसी न्यू नहीं आई हुई थी, ठीक है। उनके अलावा आ जाते हैं ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट, जैसे ना वार ऑफ इंडिपेंडेंस आपका हो गया, वार ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, शिमला हो गया या खिलाफत मूवमेंट हो गई, ठीक है, या साइमन कमीशन हो गई, या उनके अलावा टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई, ठीक है, या अलीगढ़ मूवमेंट्स हो गई, ठीक है, या अलाहाबाद का जो था खुतबा था वो हो गया। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट वो इवेंट्स है ना वो सारे आपने याद करने, ठीक है। जैसे वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब लगी थी, उसके काजेस कौन थी, उसकी वजह क्या थी, और कहाँ कहाँ पर जंग हुई थी, किस किस के दरमियान जंग हुई थी, इन सारी चीजों को आपने अच्छे से देख लेना, ठीक है। उनकी डेट्स, इवेंट्स कौन कौन से, किस किस हुए थे और किसके दौरान हुए थे, कहाँ पर हुए थे, या किस दो लोगों के दरमियान हुए थे, ठीक है, ये चीजें। उनका पोस्ट पार्टीशन जो है 1947 से लेकर पोस्ट पार्टीशन जो है उसमें आपने देखना है क्या कहते हैं आपकी जो है हिस्ट्री। अब इसमें क्या जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या जैसे 47 का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, चारों कॉन्स्टिट्यूशन आपके आ जाते हैं, ठीक है, वो पहले कब लागू हुए थे, ठीक है, बने पहले कब थे, फिर उनके अलावा वो उनको क्या कहते हैं आपकी कब उसे लाया गया था हाउस में, ठीक है, और कब लागू किया था, और में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी, आर्टिकल्स थे, वो आपने देखने, ठीक है। साथ ही आपने देखना है कि उनमें जो मार्शल लॉ कब लगी थी, ठीक है, और उसमें क्या क्या आया था, ठीक है। उसके अलावा फिर आ जाता है फॉरेन पॉलिसी की इवेंट, मतलब के सेंटो सीटो, अब सेंटो कब बना हुआ था, ठीक है, सेंटो कब बना था, उसकी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थी और उसमें क्या क्या ऐसी चीजें आ रही थी, ठीक है। मतलब आपने अगर अगर आपने सेंटो का पढ़ना है, ठीक है, तो उसकी फाउंडेशन कब हुई थी, ठीक है, मतलब 8 सितंबर 1954 में थी, ठीक है, और पाकिस्तान विद्रॉ कब किया था, 1973 में किया था, डिसॉल्व कब हुआ था, 1977 में हुआ था, ठीक है। अब उनका हेडक्वार्टर पहले कहा था, ठीक है, उसमें मेंबर्स कितने थे, आपने इस तरह से उनको मतलब ना तैयार करना है। ये नहीं कह रहा सर आपने सेंटो पढ़ा भाई वो पाकिस्तान विद्रॉ कब किया था, लेकिन आपने पढ़ना है कि वो उसकी फाउंडेशन कब हुई थी, ठीक है, डिसॉल्व कब हुआ था, उनका पर्पज क्या था, ठीक है, फिर उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर थे, मतलब जितने भी पाकिस्तान सेंटो सीटो हो गया और डेवलपिंग कंट्री जो D8 है, G8 कंट्री है, जितने भी एशियन डेवलपमेंट या SCU, जितने भी पाकिस्तान के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन किया हुआ है ना, ज्वाइन कब किया था, विथड्रॉ कब किया था, या फिर परमानेंट मेंबर कब बने, जैसे SCU है, अब वो SCU कब बना कब था और वो पाकिस्तान में परमानेंट मेंबर कब बना था, ये सारी चीजें आपने देखनी है। इसी तरह आप OIC पे आ जाए तो ये सारा क्या कर रहे हैं, आप जितनी भी पाकिस्तान ने ज्वाइनिंग की हुई है ना, पाकिस्तान जितने भी उन्होंने ज्वाइनिंग की ऑर्गेनाइजेशंस वो आपने देखनी है, और फॉरेन पॉलिसी जितने भी इवेंट थे वो आपने देखने, पाकिस्तान विथड्रॉ कब किया था, पाकिस्तान ने ज्वाइनिंग कब की थी और किस किस कंट्री के साथ, ठीक है। फिर इनका मेजर केस स्टडी हो गया, उसमें से वो मोटो केस हो गया, ठीक है, या शेख सरहिंदी का केस हो गया, या फिर ये क्या कहते हैं पानामा लीक्स हो गया, ठीक है, या रिसेंट इमरान खान पे केस था वो आप देख सकते हैं, ठीक है, जिनमें आप उनको नाहल करार दिया गया था, ठीक है, मेजर वो केस, उनकी डेट्स कब हुई थी, उनको कब वो क्या कहते हैं क्या कानून लागू किया था, कब उनको क्या कहते हैं डिस्क्वालीफाई किया गया था, ये सारा सब कुछ देखना है। उनके जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है, अब रिसेंट डेवलपमेंट्स हमने क्या क्या देखना है, उसपे हमने ये देखना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, ठीक है, या कौन सा पाकिस्तान में प्रेजिडेंट कब आया हुआ था, ठीक है, और कौन सा मुआहदा हुआ था, ठीक है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस किस डीप हुई थी, या पाकिस्तान में कौन कौन से इवेंट हो चुके थे, PSL हो गया, या OIC के जो लास्ट टू समिट्स हो चुकी थी वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दूसरा कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई थी, ठीक है। इसी तरह
या फिर इकोनॉमिकल चैलेंज के कौन कौन से इवेंट है, IMF का पाकिस्तान का, फर्स्ट पाकिस्तान ने विजिट किया था, या FPF का, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, इस तरह से आपने वो रीसेंट डेवलपमेंट्स में आपकी सारी चीजें वो आपकी आ जाती है, कौन कौन सी आपने चीजें देखनी है, कौन कौन सी जगह आपने फोकस करना है। यहाँ पर आपका कोई सवाल है? यहाँ पर कोई आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप वो अस्सलाम सवाल। वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है आपसे ये कि जो सीसी सिंध की है ना, उसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज को पढ़ें या थॉरली स्टडी करें? नहीं, देखो सीसी सिंह का जो स्क्रीन टेस्ट है ना, जाहिर सी बात उसके लिए तो हमें जाहिर सी बात है एमसीक्यू का सारी चीजें पढ़नी है, ओवरऑल पढ़नी है ना। जिस तरह अभी ये बता रहा सारी आपने ये सारी करनी है, क्योंकि जो सीसी सिंह का जो सिलेबस है ना, स्क्रीन टेस्ट का जो सिलेबस है, उसमें ये सारी चीजें वही आती हैं जो आपकी ना वन पेपर के थ्रू आती हैं। उसमें ये उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड हैं वो सिंध की नॉलेज, सिंध में रिवर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, सिंध की डायनेस्टी जैसे अब्बासी, तालपुर हो गया या कल्होड़ा दौर हो गया, ये सारी चीजें हमने वहां पर देखनी है, ठीक है। बस एक्स्ट्रा वहां पर वो ये, या सिंध के जो मेजर वो है क्या कहते हैं श्राइन्स वगैरह हो गए, ठीक है, या पीर वगैरह हो गए, उनकी काफी सारी चीजें एमसीक्यू वगैरह आ जाते हैं। या देखो रिवर्स तो एक ही सिंध है, ठीक है, बाकी छोटे एक दो रिवर्स हैं, या जो है लेक्स। अब लेक्स तो आप जाहिर सी बात है FPSC के पेपर में भी वो पूछ लेता है, जैसे मंचर हो गया या आपकी किंजर हो गई, इससे काफी सारे और लेक्स हैं सिंध में, मोस्टली तो एमसीक्यू हमारे पेपर में भी आते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हमने देखी नहीं है सीसी सिंध के लिए, बाकी सारी जो तैयारी है और वो अच्छा, खुद हमने वहां पर करनी है। और ये जो हमारा ये इंशाल्लाह वन पेपर सेशन हमारा खुद का भी स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 20 मार्च से, ठीक है, तो उसमें सारी चीजें हमने खुद भी सारी ज्योग्राफी के चीजें लिए, जी रहा ज्योग्राफी है। जो है वर्ल्ड वर्ल्ड मैप, उसमें से हम मतलब उसकी जो तैयारी है वो वर्ल्ड मैप की लर्निंग करें या कैसे, मतलब उसको बनाने के लिए जैसे मैप को ड्रॉ करें? देखो एक तो ना, एक तो हमने मैप को देखा, हम चीजें देखने के, जैसे ना मिडिल ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आ रहे हैं, ठीक है, और मिडिल ईस्ट में रिवर्स कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है, एशिया में रिवर कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है, उनमें ओशंस कौन कौन से हैं, हम मैप के जैसे ना बाय कॉन्टिनेंट बाय वन देखते जाएंगे, तो इसमें हम क्या होंगे इजिली समझ सकते हैं। जी राफे बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम असलम। सर मैं बेसिकली पूछना चाह रहा था कि जो सीसी सिंध का मतलब स्क्रीनिंग है ये कब तक हो जाता है सर, मेरा पहला सवाल है। सर दूसरा सवाल है मेरा सर कि जो सीसी सिंध के अंदर जो भी मतलब इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इसमें यूरोपियन हिस्ट्री वगैरह इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि CSS के अंदर हैं, वो क्यों नहीं डाले हुए? देखो ऑलमोस्ट जो CSS का लेटेस्ट सिलेबस है ना, उसमें सारे वही क्या कहते हैं आपकी CSS सिलेबस सारा सेम ही है, ठीक है। अगर आपके पास लेटेस्ट सिलेबस होगा ना सीसी सिंध का, तो वो CSS की तरह बिल्कुल सेम सिलेबस है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट सारे वही हैं, पर वहाँ सब्जेक्ट हमने 4 रखने, यहाँ पर 6 होते हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है राफे। और जहाँ पर सर आप जी सर जी दूसरा मेरा सवाल है सर, उर्दू की तैयारी कहाँ से करेंगे? उर्दू एक नई चीज आ गई है। उर्दू कलीदे उर्दू की जो बुक है आप उससे पढ़ लें, कलीदे उर्दू बुक आती है PMS पंजाब, मतलब सिलेबस वो ही है, कलीदे उर्दू वो पढ़ लें, और एक जनरल उर्दू बुक आती है, जनरल उर्दू बुक, ठीक है, वो एक आप वो रख लें, दो बुक से आपकी हो जाएगी तैयारी। सर इनके बाकी नाम जो बता सकते हैं आप सर, ये टाइप कर सकते हैं? कलीदे उर्दू बुक में आप ना मुझे क्लास के बाद टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, वो शायद मैं भी मेरे ठीक पास है, PDF है, मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगा वो बुक। थैंक यू सर, थैंक यू। उसके अलावा देखो हम आ जाते हैं वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड करंट अफेयर्स में, ठीक है। अब वर्ल्ड करंट अफेयर्स में क्या है, जैसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, लॉन्गेस्ट लेक कौन सी, ठीक है, लॉन्गेस्ट कंट्री कौन कौन सा है, ठीक है, या हाईएस्ट जो वो है आपकी माउंटेन्स वगैरह हो गए, ठीक है, और लार्जेस्ट पाकिस्तान में कौन कौन सी, ठीक है, और कहते हैं कि फर्स्ट वुमेन कब ज्वाइन की थी, ठीक है, या फर्स्ट वुमेन CEO कौन सी बनी थी, ठीक है, मतलब पाकिस्तान में या वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, ये सारे हो गए, ठीक है, और उनके अलावा हाईएस्ट मतलब ATM पाकिस्तान का कहाँ पर है, कौन सी चीजें, ठीक है, या लॉन्गेस्ट रोड पाकिस्तान में कौन से हैं, या वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन से, ठीक है, या टनल्स हो गए, ठीक है, हिस्टोरिकल लोकेशन, हिस्टोरिकल लोकेशन में आप ये सकते हैं जैसे ना कि आप पाकिस्तान का जो PM है उसकी रेजिडेंसी कहाँ पर है, ठीक है, या आपकी चाइना की रेजिडेंसी जो प्रेजिडेंट उनकी रेजिडेंसी कहाँ पर है, या सऊदी के बादशाह की रेजिडेंट कहाँ पर है, इस तरह जैसे वाशिंगटन आपकी वो है अमेरिकन की प्रेजिडेंट की रेजिडेंसी है, इस तरह से हमने वो भी करना है। नेशनल आपके नेशनल कुछ बर्ड, नेशनल बर्ड्स एनिमल ETC जो ट्रीज वगैरह वो पाकिस्तान लेवल पे हमने देखनी है, और जो वर्ल्ड लेवल इंपॉर्टेंट जो है ट्रीज वगैरह है उनको भी हमने नजर मतलब वो मतलब किस कितने के नजर मारना, हमने वो भी उनको एनालाइज देखना है करना है, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा मैंने बताया कि SCO, SAARC हो गई, D7 हो गया आपका,
और सेंटो सीटो हो गई, इंटरपोल हो गई, आपकी वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलप बैंक हो गई, ठीक है, ये सारा सब हमने OIC हमने देखना है, ठीक है, सारी चीजें हमने देखनी है ओवरऑल, सारी सब कुछ करके, ठीक है। इसमें उनके पॉपुलेशन हो गई और इकोनॉमिकल सेक्टर्स हो गया, और लास्ट 3 ईयर के जो करंट अफेयर्स के MCQs हैं हमने वो भी देखने, पाकिस्तान अफेयर्स के भी, ठीक है। मतलब वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स तैयारी आपने इसी तरह से करनी है, और इंशाल्लाह हमने अपने सेशन में भी सारी चीजें हमने कवर करवानी है आपको। उनका फोकस ऑन वर्ल्ड अफेयर्स, अब ना वर्ल्ड अफेयर्स में हमने क्या क्या देखना है, वर्ल्ड अफेयर्स में आपकी आ जाती है देखने, जिसमें ना कि वुच कंट्रीज, वो उसके मतलब प्रेसिडेंट कौन कौन सा है, और पाकिस्तान में कौन सी प्रेसिडेंट ने, वर्ल्ड प्रेसिडेंट जो थे वो उन्होंने पाकिस्तान में कब मतलब विजिट किया था, कौन सा मुआहदा किया था, ठीक है, और इलेक्शन न्यू वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन सी हो चुकी, ठीक है, उनके PM हो गए, ठीक है, कैबिनेट, मोस्ट इंपोर्टेंट कैबिनेट जैसे आपका आ जाता है, जैसे फॉरेन मिनिस्टर आ गया, ठीक है, या आपकी आ जाती है आपके जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री का, जैसे आपके US के काफी सारे पूछते हैं, सऊदी का पूछ लेते हैं, आपका चाइना का पूछ लेते हैं, आपका जनरल सेक्रेटरी वगैरह, ठीक है, इस तरह से मतलब वो हमने मिनिस्टर्स देखने हैं जो कि पाकिस्तान के साथ उनकी मतलब के ज्यादातर रिलेशनशिप, जैसे USA, चाइना, रशिया, सऊदी, ईरान, और आप तुर्की हो गए, ठीक है, या आपका जाता है बर्तानिया हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, इनके मोस्टली आपके ना वो पेपर्स में पूछ लेते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स या जनरल जो मिनिस्टर्स होते हैं बाकी किसी डिपार्टमेंट के या बाकी किसी ओहदे के, ठीक है, हमने वो भी देखने, ठीक है, उनके लिए फिर हमने देखने हैं कि वो क्या कहते हैं इकोनॉमिकल फिगर्स देखने, इकोनॉमिक सर्वे हमने देखनी है, ठीक है, आते हैं, और इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक जितने भी इवेंट्स है ना हमने सारे वो देखने, जैसे रिपोर्ट्स वगैरह आ जाती है इंटरनेशनल नेशनल लेवल रिपोर्ट्स वगैरह वो, ठीक है, और उनके लिए इम्पोर्ट के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और चाइना से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है, या आर्मी से जितने भी रिलेटेड न्यूज पेपर है, आपकी गवर्नमेंट न्यूज हो गई, फॉरन अफेयर्स की न्यूज पेपर हो गई, ठीक है, हमने वो भी सारी GK में देखनी है, ठीक है। तो हमने फोकस करंट अफेयर जो है वर्ल्ड लेवल अफेयर्स वो हमने क्या क्या फोकस करना है, वो सारा सब कुछ आपका यही है, यहाँ पर इनको अपने अच्छे से फोकस करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई चीज या कोई पॉइंट रह जाएगी इस पेपर में। यहाँ पर कोई आपका कोई सवाल या कोई बात समझ में ना आई है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप सवाल कर सकते हैं। जी राफे, कोई सवाल है आपके जहन में या किसी और का कोई सवाल हो? सर ये इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे, इसमें हम क्या कर सकते हैं सर? इसमें जिस तरह इकोनॉमिक सर्वे का सर किस तरह किस सेंस में लेंगे, बस ये मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि ये वन पेपर में कभी इस तरह का MCQ आया नहीं है। नहीं, काफी सारा आया हुआ है, देखिए आपने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान की जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी कम है, या रिजर्वेशन इकोनॉमी कितनी है, या डाउनफॉल इकोनॉमी कितना हुआ था, या जो आते हैं फेसिकल ईयर वो पाकिस्तान लास्ट ईयर कितना था, ये तो लास्ट ईयर ये एंटी करप्शन की टेस्ट हुई थी CC सिंध में, ये जी PCS के जी थ्रू, उसमें ये 4 सवाल आए हुए थे, तो ठीक ये है चलिए। इकोनॉमिकल फिगर्स है ना, फिगर सर्वे ये सारी वही है ना, इनकी हमने वो देखनी है, या किस स्टेट पे मतलब फेसिकल ईयर कब से शुरू होता है, मार्च लेके जुलाई तक शुरू होता है, तो ये सारे इकोनॉमिक रिलेटेड जितने सारे MCQ थे वो सारे आपके हो जाते हैं इसी से रिलेटेड ना, तो हमने वो सारी चीजें यहाँ पे देखनी है। ठीक है अब चलिए। गवर्नमेंट न्यूज मतलब के जैसे कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई थी गवर्नमेंट हुई, या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हुई, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वो क्या कहते हैं न्यूज अनाउंसमेंट हुई, हमने वो भी नोट डाउन करनी है। उसके अलावा जब जनरल साइंस में, अब उसमें हमने बायोलॉजी हो गई, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, और उनके लास्ट 20 ईयर के जो CSE के पास पेपर हमने वो भी सारे देखने हैं GSA में, ठीक है। उनके अलावा फिर इन्वायरमेंटल साइंस का भी आपका पोर्शन आ जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस आ जाती है, ठीक है आपकी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कोई सवाल पूछ लेते हैं मोस्टली, बाकी चीजें या जनरल वो होता है फिजिकल आपके आ जाती है, केमिस्ट्री या फिजिक्स जो आपके आ जाते हैं, ठीक है, हमने ये सारी चीजें यहाँ पर देखनी है, ठीक है, साइंस में हमने साइंस के प्रश्न हमने सारी चीजें हमने इनको देखना है यहाँ पर। उनके अलावा इस्लामिक स्टडी में हमने क्या क्या देखना है, इस्लामिक स्टडी में हमें गजबात आ गए, ठीक है, और एरिया वाइज जैसे मतलब ने जो इम्पोर्टेंट जो है प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, या फिर इम्पोर्टेंट इवेंट्स जैसे जैसे आपका हुआ है मीसा के मदीना हो गया, कब से, और भी इम्पोर्टेंट इवेंट है वो देखने हैं, ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs और लास्ट 20 ईयर्स के, और जितनी भी डिटेल मतलब है ना वो डेट्स रिलेटेड पर्सनैलिटीज के हवाले से हमने वो भी सारी चीजें हमने यहाँ पर देखनी है आप सबने इस्लाम रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा फिर आ जाता है ज्योग्राफी भी, हमने क्या कहते हैं ज्योग्राफी में जैसे डैम्स हो गए, ठीक है,
बैरेट्स हो गया ठीक है, और रिवर्स, माउंटेन पीक्स, और पासेस जो होती है ठीक है, कैनाल्स, स्पॉट ईटीसी, और फेमस नेम्स फॉर द सिटीज, और इंटरनेशनल जो होती है ठीक है, और उनके अलावा काफी सारे, और जैसे लाई के सवाद इज नाउ एज ए स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान, इस तरह से आपने एमसीक्यू तैयार करने ठीक है जियोग्राफिकली, उसमें ऑशंस हो जाती हैं, रिवर्स आपके आ जाते हैं। उसके से रिलेटेड आपका कोई सवाल या कोई एमसीक्यू हो तो वो आप कर सकते हैं ठीक है, और इंशाल्लाह हमारी ये 20 जनवरी, ओ जनवरी क्या बल्कि मार्च से हमारी ये क्लासेस जीके भी स्टार्ट है ठीक है, जिसमें हमने साथ जितने भी पीपीएससी की जॉब्स आती हैं, एफपीएससी की जॉब्स आती हैं, एसपीसी की जॉब्स आती हैं, या जो हमारा पीएमएस जीके का पेपर आता है, या सीसी सिंध का जो जीके का पेपर आता है, या वहाँ स्क्रीन टेस्ट, सारी तैयारी हमने आप सबको ये करवानी, जितना सारा हमने सिलेबस डिस्कस किया, जितनी सारी हमने चीजें बताई वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम आपको पेपर में कवर करवाएंगे। अब आपका कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आपके पास 5 मिनट का टाइम है तो वो आप कर सकते हैं, या कोई भी कंफ्यूजन हो इनके अलावा। सर अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। मैंने अभी ज्वाइन किया और ये जो आपका सेशन है ये वन पेपर एमसीक्यू उसके लिए। हाँ जी, वन पेपर है, या जैसे अगर आप ना पीएमएस सिंध दे रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीएमएस सिंध दे रहे हैं ठीक है, या पीएमएस पंजाब दे रहे हैं ठीक है, या फिर आप किसी भी एफपीएससी की टेस्ट दे रहे हैं ठीक है, उन सबके लिए तैयारी होगी हमारी, करवाएंगे हम आपको। अच्छा सर, इसका फीस कितना है और क्या लेक्चर जूम पर होंगे ना? जी, क्लास जूम पर ही होंगी, और हम साथ हम आपको हैंडआउट्स वगैरह भी शेयर करेंगे, उनके अलावा हम डेली बेसिस पे आपको कोई एक्टिविटी वगैरह शेयर करेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, तैयारी हो जाए, और साथ साथ हम आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, मतलब हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हो गए, या फिर ईयरली बाय कौन कौन सी बात, 2021 में बार बार मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से एमसीक्यू पूछे गए थे, 22 में कौन से एमसीक्यू पूछे गए थे, 23 में कौन से पूछे गए थे, 24 में कौन कौन इम्पोर्टेंट इवेंट है जिस पर हमें नजरसानी रखनी चाहिए, वो सारा सब कुछ हमने करना है इसमें। मतलब जितने भी देखो, अगर आप ना क्या कहते हैं, अगर आप पीएमएस की तैयारी करें ठीक है, आप कहाँ से हैं? सर जी मैं केपीके सर। ठीक है, देखो केपी के में भी जैसे पीएमएस में आपका पेपर आता है ठीक है, एमसीक्यूज आते हैं ठीक है, केपी की जितनी भी टेस्टें आती हैं, या आपके जितनी भी टेस्टें आती हैं ना, उन सब की हमने तैयारी वगैरह करवानी, टोटल सारी चीजें वगैरह। ओके सर, सर इसका फीस कितना है सर? इसकी फीस 7K है ना? अच्छा सर, जी ओके जी सर, जी जी थैंक। ओके ओके। और किसी कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो आपके जहन में? सर इंग्लिश और जो है पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश लिटरेसी और पॉलिटिकल साइंस, सर उसका कोई सेशन वगैरह रखे हैं सर? ये तो बस बेसिक है वैसे। नहीं, इंग्लिश ऐसे का सेशन हमारा चल रहा है ना राफे, हमारी न्यू सेशन इंग्लिश ऐसे, उसकी 2 क्लास हो गई है, तीसरी क्लास हमारी आज रात होनी 10 बजे। ऑल राइट सर, जी 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 अच्छा, किसी और में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो, या कोई चीज समझ में आपको ना आई हो?